शिवाय। महादेव को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल और आसान तरीका है इस मंत्र का जाप। 6 शब्दों से बना यह मंत्र हर किसी के मुख पर सदैव बना रहता है। बड़ों के अलावा बच्चे भी इस मंत्र का उच्चारण बड़ी ही सरलता से कर लेते हैं। लेकिन इस मंत्र का असल में मतलब क्या है और इसकी महिमा क्या है, इसकी जानकारी कम ही लोगों को होगी। इसीलिए अपने एस्ट्रोलॉजर से जानते हैं इस मंत्र को जपने की सही विधि और मंत्र का अर्थ। नमस्कार, जय माता दी। मैं आचार्य इंद्रदेव वशिष्ठ, कालिका धाम ज्योतिष से, कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। आज हम बात करेंगे, भगवान शिव के बहुत सारे मंत्र हैं, बहुत सारे नाम हैं। आज हम उस मंत्र के बारे में बात करते हैं जिस मंत्र को भगवान शिव का हर भक्त जाप करता है, और वो मंत्र है नमः शिवाय। भगवान महादेव का ये पंचाक्षरी मंत्र कितना प्रभावशाली है, कितना कल्याणकारी है, और ये इस मंत्र का जाप किसने किया है और इस मंत्र की महिमा क्या है, आज हम सब जानेंगे। देखिए, भगवान शिव का ये मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, 5 अक्षर का मंत्र ओम जब साथ में लग जाता है तो ये षडाक्षरी भी बनता है। लेकिन भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय। ओम तो इस ब्रह्मांड का पहला शब्द है। ओम मतलब परब्रह्म। भगवान शिव नमः शिवाय, आप सब जानते हैं नमः का मतलब नमस्कार, और भगवान शिव को नमस्कार करना, नमः शिवाय का मतलब भगवान शिव को नमस्कार करना, प्रणाम करना। नमः शब्द का मतलब नमस्कार है, और हाँ, नमः शब्द का मतलब शक्ति का प्रतीक भी है। माँ पार्वती का प्रतीक है नमः शब्द, शक्ति और शिव। बिना शक्ति के किसी भी चीज़ की कल्पना तक नहीं की जा सकती, इसलिए साथ में शक्ति का प्रतीक भी नमः है और नमस्कार। नमः का मतलब नमस्कार भी और शक्ति का प्रतीक है। शिव, शिव का मतलब ही कल्याण है, शिव का मतलब ऊर्जा, शिव का मतलब प्राण, शिव का मतलब सब कुछ। बिना शिव के सारा संसार अंधकार में है। नमः शिवाय मंत्र शुक्ल यजुर्वेद का जो हिस्सा है रुद्राष्टाध्याय, उसमें भी भगवान शिव का मंत्र वर्णित है, लिखा है। रुद्राष्टाध्याय के 5वें अध्याय में 41वें मंत्र है नमः शिवाय शिवतराय च। इस तरह से भगवान शिव का ये मंत्र है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप, ऐसी पौराणिक मान्यताएं हैं कि जब सती भगवान शिव को पाने की कामना से भगवान शिव के तपस्या में लीन थी, महादेव को प्रसन्न करना चाह रही थी, तब उन्होंने भी इस मंत्र का, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करके ही भगवान महादेव को पा लिया था। भगवान श्री राम भी ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करते हैं। वेदव्यास जी ने, जिन्होंने इतने सारे ग्रंथ लिखे हैं, उन्होंने भगवान शिव का सहारा लेकर के, भगवान शिव के नाम का सहारा लेकर के ये सारी रचनाएं कर डाली हैं। भगवान के इस मंत्र मात्र जाप करने से, भगवान शिव के वैसे बहुत अनेक मंत्र हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र बहुत प्राचीन और सबसे ज़्यादा सरल और कल्याणकारी है। जो भक्त वैसे महादेव, देखिए, भगवान शिव की आराधना, पूजना, जल चढ़ाना तो अक्सर भक्त करते हैं, लेकिन साथ में महादेव उनके ही हो जाते हैं जो भगवान महादेव से प्रेम करना शुरू कर देते हैं। बिना शिव के किसी भी इष्ट की आराधना करते हैं, लेकिन भगवान महादेव की आराधना साथ में अवश्य होनी चाहिए। भगवान शिव के बिना सब कुछ बेकार है। भगवान शिव के बिना, शिव कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं है। भगवान शिव के कृपा के बिना, भगवान शिव के बिना इस सृष्टि की रचना भी संभव नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक जड़ है और जीवात्मा ज्ञानी है। महादेव की कृपा, महादेव को होना ही ये संसार का संचालन है। भगवान शिव के आराधना के बिना, जैसे कोई रोगी बिना वैद्य के, बिना डॉक्टर के, बीमारी रहित
बीमारी पूर्ण बीमारी के साथ जीवन व्यतीत करता है, कष्ट भोगता है, उसी तरह भगवान शिव के भक्ति ना करने से जीवन चला जाता है। महादेव तो बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आप सब जानते हैं भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही कृपालु है। महादेव तो इतना भी नहीं सोचते कि जो भक्त सामने मेरा नाम जपता है, तप करता है, मुझे प्रेम करता है, वो आस्तिक है या नास्तिक है। भगवान शिव से कोई प्रेम कर ले, भगवान शिव को कोई मना ले, भगवान शिव की कोई आराधना करे, तो भगवान उसे सब कुछ दे देते हैं, फिर वो चाहे आस्तिक हो या फिर नास्तिक हो। ऐसी बहुत सारी कथाएँ आप सब ने सुनी होंगी। भगवान शिव ही सबसे शीघ्र न्याय करते हैं। आप सब कहते हैं ना कि बहुत जल्दी न्याय वही करता है जिसे ना सम्मान का मोह हो ना अपमान का भय, तो महादेव ही हैं जिन्हें ना सम्मान का मोह है ना अपमान का भय है, वो तो बस अपने भक्त का कल्याण करना जानते हैं। इसलिए जो कोई छल कपट त्याग कर भगवान से प्रेम करते हुए, महादेव से प्रेम करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का, नमः शिवाय मंत्र का, भगवान के इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, पार करते हैं, उनका परम कल्याण होता है और यह जीवन तो सफल होता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान होता है। नमः शिवाय का मतलब ये भी है कि ये आत्मा घृणा तृष्णा मोह माया मद लोभ अहंकार से रहित होकर उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करना और अपना जीवन सफल करना। जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय से षडक्षर मंत्र है, उसे दूसरे किसी मंत्रों और शास्त्रों की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया और समस्त शुभ कामों का अनुष्ठान पूरा कर लिया और मानो उसका इस धरती पर जन्म लेना सफल हो गया। कुंडली टीवी डेस्क से दीक्षा गुप्ता की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।